दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा पूरा नीचे तक दर्द जा रहा है, नीचे तक जा रहा है, ये दर्द होता ही रहता है यहाँ भी ये। दर्द होता रहता है, हाँ पूरे होता ही रहता है। सिरे में दर्द होता रहता है, हाँ समर में भी, लेकिन हाँ कमर अभी में ज्यादा हटे आपको ये नहीं हो रहा है। रहता ज्यादा, अब तो यही हो रहा है। ठीक, बीटा 4, 5 as well as बीटा 6 इन दिस केस। सो इनिशियली जब ये मेरे पास आए थे तो कह रहे थे कि मेरे पीठ में कोई खास दर्द नहीं है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन सिर्फ पैर में आ रहा है, और पैर का अब काफी रिलीफ आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, तो हमारे रिजनल सर्जन एक्सपर्ट इन लिंब एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर मिथुराम, हाँ ये राजस्थान से हैं और इनको 2 बार ही ऑपरेट हो चुके हैं कमर की समस्या से, और इनको उस समय भी हमेशा पैर में दर्द रहा करता था, लेफ्ट में पैर दर्द में दर्द रहता था इसमें हमेशा। आपका ऑपरेशन वाला भी दर्द होता ही रहता है ऑपरेशन से पहले कौन सा वाला उसमें था, ना, इसी में इसमें दर्द रहता था, इसमें ही है इसी में चले दर्द शुरुआत शुरुआत से, 2 बार ही से ऑपरेट हो चुके इसमें। हैं। इसमें भी कंडीशन ये है कि लास्ट ऑपरेशन इनका 4 साल पहले हुआ था और उसके बाद बीच में ठीक थे, लेकिन पिछले 4 महीने से और दर्द जो है इनको बहुत ही ज्यादा लेफ्ट लोअर लिम के पे बढ़ चुका है। इवन यू कैन सी फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन, इनके एक्सप्रेशन से देख सकते हो उनको 2400 घंटे दर्द है, और कह रहे हैं 3 दिन से तो मैं सोया ही नहीं। तो सोए ही मित्र नहीं हम जी एक मिनट के बिल्कुल। लिए बैठेंगे, हाँ भाई, बताओगे क्या हाँ नाम है, कब से तकलीफ है मिठू राम तुमको, है, गांव सोड़ा पीपियाना मंडीपुरी में पास है। क्या तकलीफ चल रही है आपको, तकलीफ है, दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा, पूरा नीचे तक दर्द जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। नीचे तक जा रहा है, ज्यादा तकलीफ कितने दिन से हुई है आपको, अभी तो 15 दिन से ही ज्यादा, 15 दिन से जा रहा है, बिल्कुल अभी 3 दिन से ज्यादा है, चार पांच दिन चौबीसों से, घंटे दर्द चल रहा है चौबीस तीन दिन बिल्कुल, और 4 दिन तीन वह सोते ही नहीं रात को, रात चार दिन को से बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा बिल्कुल दर्द की नींद ही वजह नहीं आई से, बिल्कुल। और कहाँ से कहाँ दर्द चल रहा है, खुले नहीं, से, खुले यहाँ कुल्ले से चल रहा है यहाँ से पे, दर्द चल रहा है, पूरा नीचे तक हाँ जा रहा है, पैर में नीचे चले झनझनाहट, जाए, सुनपन, भारीपन, सुई लग रही है, वैसे ही लगी जा रहा सुई है। जैसे जैसे लग रही है, ये हाँ कह रहे हैं कि जैसे सुई जिन चुभती है उस तरीके से, वैसे राइट, चुप ही सिर्फ जाता, हटता ही नहीं। हाँ बेसिकली निडल एंड प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन, और जो स्पेशली हमें शाटिका के पेन्स के अंदर मिलता वैसे है, हो तो जाता जैसा है। कि मैं हाँ इनका एक्सरे दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज शी ही डिड हैव एनी रिपोर्ट्स, कोई भी रिपोर्ट लेके नहीं आए, इवन उनको भी हाँ रिड है, तो कोई चैन नहीं मिल रहा, कोई दवाई खाने कोई से भी कोई चैन नहीं मिल आराम रहा, नहीं मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा, सही हो ओके, रहा है, सो टीके भी ही लगा केम टू दिए। अस एंड ही एक्सरे हम देखते हैं, तो देयर इज अ प्रोलैप्स इन द वर्टेब्रल डिस्क विद कंप्लीट डिक्रीज इन प्रोलैप्स गैप एट L4 एंड L5, L5 एंड S1, L5 S1 में गैप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, और आप देख सकते हो कि वहां पे 2 बार सर्जरी करने के बाद उन्होंने पीछे से स्पाइनस प्रोसेसेस को भी हटा रखा है। सो ऑलरेडी पेशेंट ऑपरेटेड फॉर 2 टाइम्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर पेन मैनेजमेंट, तो ये एक्यूट कंडीशन है, हमें इनको एडमिट भी करके रखता है। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियरिटी होती है, तकलीफ बहुत ज्यादा, चल बिल्कुल नहीं पा रहा, 24 घंटे दर्द है, तो वी नीड एडमिशन एटलीस्ट फॉर 1 डे, सो दैट हम 24 घंटे के अंदर ऑब्जर्व करके देख सकें पेशेंट को कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर मुझे इंजेक्शन को दोबारा से रिपीट भी करना पड़ जाए, अगर इंप्रूवमेंट नहीं है, तो 24 घंटे मिनिमम गैप हमें जरूरत होती है। अब इनके फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं किस तरीके से बार बार पैर को दबाए जा रहे हैं, मैं दर्द करूँ, मैं दर्द करूँ, एंड लेट्स सी कि आज हम इनको इंजेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे पास ही रुके हुए हैं, हमने इनको एडमिट भी किया है, तो इनका अभी इमिजिएटली कितना रिलीफ है, टीके भी दो दो चौबीस लगा घंटे दे, में दो कितना, हाँ जी, दो टीके लगा दिए, नहीं दर्द नहीं कह होगा। रहे हैं दो दो टीके लगा दिए, कोई हाँ दर्द दर्द आ हो नहीं आ रहा, तो हम जाए। इनको एडमिट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और देखेंगे कि इमीडिएट कितना क्या रिलैक्सेशन है, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बिल्कुल मेरे इनसे मिलने के लिए ओपीडी के बाद, तो मैं 4-5 घंटे बाद देखूंगा क्या सुधार है, 24 घंटे के बाद क्या सुधार है, क्या हमें ऐसी कंडीशन है दोबारा से इमीडिएटली इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। देखिए DSA भी पेन पोर्टल जब से आया है, ये खुद एक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों में, न्यू थिंग है, और जब से शुरुआत में हम सिर्फ शटिका पेन के यूज कर रहे थे, आज हम सोराइटल शोल्डर, कैमिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन, हेडेक्स, क्योंकि इसका जो दायरा है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल चीज़ों में यूज किया जा रहा है, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ नई नई चीज़ें इसमें निकल के आ रही है, सो हम भी इसमें पे और स्टडीज कर रहे हैं ताकि पेशेंट को किस तरीके से बेनिफिट दे सकें। जाइए सर, उल्टियों के रिलेटिव है, यू कैन सी ही हैज बीन ऑपरेटेड ट्वाइस, ये ये पूरा अभी दर्द सर्जिकल होता पार्ट ही है रहता पूरा है, का ये पूरा, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, दर्द होता ही रहता है यहाँ भी ये। दर्द होता रहता है, हाँ होता ही रहता है। सिरे में दर्द होता रहता है, हाँ समर में भी, लेकिन हाँ कमर अभी में ज्यादा आपको हटे ये नहीं, हो रहा है। दर्द ज्यादा, अब तो यही हो रहा है। ठीक, 1, 2, 3 एंड आई विल ऐड बीटा 4, 5 as well as बीटा 6 इन दिस केस। ही वॉज इन वेरी सिवियर पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ में आया था, अब इनसे जानते हैं कि अभी इंजेक्शन को लगाए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, दिस टाइम आई हैव रिपीटेड, आई हैव गिवन बीटा 1, 2, 3, 4 एंड बीटा 6 ऑल्सो,
सो इनसे जानते हैं कि कितना परसेंट पहले से दर्द में कमी आई है, जो 2400 घंटे दर्द चल रहा था और आप इनकी वीडियो में देखें किस तरीके से अपने पैर को पकड़ के बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे ऑल टाइम। तो सर बैठिए और बताइए कैसा क्या है अभी आपको? ना अबे बहुत बढ़िया हो गया, कितना रिलीफ आ चुका है अभी, इतने की दर्द रहेगा और ठीक है। नहीं, जो अभी आप शुरू में आए थे वो बिल्कुल पैर दबा दबा वो कर रहे थे, उसमें कितना दर्द में रिलीफ? बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया आप, 40-50% रिलीफ है, उससे ज्यादा रिलीफ ज्यादा ही हो गया, 90-85 हो गया, दर्द नीचे कम हो गया। हाँ नीचे कम हो गया। ओके, एक बार चल के देखें। सो संतुष्टि लग रही है कि इतनी दूर आए थे? आप तो किसी पेशेंट ने भेजा था ना आपको हमारे पास? किसी पेशेंट, ये हमारे किसी पेशेंट ने इनको भेजा था। ओके हाँ, चल ऐसे घूम के जाइए। कमी है चलने में, दिक्कत दर्द में कमी है पहले से? पहले से कमी है, ठीक है जी। पीठ में है, तो इस सेइंग की थोड़ा पीठ में, क्योंकि पीठ में हमने अभी तक इंजेक्ट नहीं किया है, तो पहले आप कह रहे थे पीठ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे को पैर में दर्द आ रहा है ना? पीठ में आ रहा है, पीठ में आ रहा है, ठीक है लेट जाइए, पीठ का भी करेंगे। सो इनिशियली जब ये मेरे पास आए थे तो कह रहे थे कि मेरे पीठ में कोई खास दर्द नहीं है, हल्का फुल्का होता है लेकिन सिर्फ पैर में आ रहा है, और पैर का अब काफी रिलीफ आ गया? पैर ठीक है, रिलीफ आ गया, संतुष्ट हो कि आपके दोस्त ने भेजा था यहाँ पे तो सही जगह भेजा, आराम आया आपको, है ना? वेरी गुड, लेट जाइए। यहाँ पे लगवा के गए तो ये कह रहे हैं वो पहले टीका लगवा के गया था, तो उन्होंने इनको भेजा कि आप वहां जाइए और उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, कमर का भी हम आपको इंजेक्ट करेंगे कल, आराम से ठीक हो जाओ। 4 साल से कमर का दर्द चल रहा है, ठीक है, पैर का आराम आ गया ना? काफी आराम है, चलो बढ़िया, लेट जाइए। सो फ्रेंड्स, दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शन, जब आपको राइट डोजेज के साथ में राइट प्लेसमेंट किया जाए कि कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, कौन से स्पॉट्स पे लगाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मरीज हमारे से ऐसे करते हैं कि मुझे DSCB इंजेक्शन मिल गया जी, वैसे आप मुझे बता दो मैं लगा लूंगा, इस तरीके से नहीं होता। इट्स नॉट द कॉस्ट ऑफ द इंजेक्शन विच वी आर चार्जिंग, इट्स द इम्पोर्ट, इट्स द कि वेयर टू यूज, वेन टू यूज and how much to use, that is the most important. And our team has an experience of almost, we are using this injection since 2018. 2018 से हम DSCB injections को इस्तेमाल कर रहे हैं और till date there is no significant side effect, किसी प्रकार कोई side effect नहीं है, और आए दिन हमें बेहतर से बेहतर results मरीजों में मिल रहे हैं। More than 4500 patients we have treated with these DSCB injections, और इस तरीके से वो अपना मैजिक दिखाता है कि एक पेशेंट इतने सिवियर पेन के अंदर हमारे पास चलते हुए आ रहा है, तो बैठ नहीं पा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, 3 दिन से इनको नींद नहीं आई थी, और इमीडिएटली आफ्टर 30-40 मिनट्स हिज पेन हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, एंड नाउ ही इज सेइंग कि मेरे कमर में बचा हुआ है। सो दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शन, स्पेशली इन शियाटिका पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, इन हेडेक्स, इवन हेडेक्स के, टेंशन हेडेक्स, माइग्रेन के अंदर वी आर यूजिंग, तो इट्स ऑल्सो गिविंग वेरी वंडरफुल रिजल्ट इन सच काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर एंड डिस्क प्रॉब्लम्स, स्पेशली लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, शाटिका प्रॉब्लम्स, टेंशन हेडेक, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, इन सारी कंडीशंस के लिए DSCB इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। DSCB इंजेक्शन के अभी तक किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिले, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली पेन मैनेजमेंट के अंदर 85-90% सक्सेस रेट हमें मिल रहे हैं। ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वालों में है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपकी एक शेयरिंग से, एक लाइक से, एक पेशेंट के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो एक नीडी पेशेंट को फ़ायदा होगा, वो सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकता है और वो एक पेन फ्री लाइफ लीड करेगा, तो आपको हमेशा थैंक यू बोलेगा। थैंक यू सो मच।